मुझे डराई थी। वैसे अभी तक सोई नहीं? नहीं, भूख लग रही थी, सोचा था कि कुछ खा लूं। बड़ी बात है। मैंने तो सुना था कि खोयल रात में कुछ खाती नहीं है। अभी भी अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। अगर नहीं भाई, भड़ास क्यों निकालूंगी मैं? मैंने माफी मंगवाई है ना, इसलिए देखो, तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखो मैंने कैसे सबके सामने साबित कर दिया कि मैं सच्ची हूँ और तुम झूठी। अरे लाख कोशिशों के बावजूद, इतनी मेहनत की तुमने, किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। माहिर ने भी नहीं, इसीलिए तो कह रही हूं मत करो ये सब, फजूल की मेहनत है। मुझे हरा थोड़ी ना सकती हो। कोयल, मुझे पता है कि इस घर में सब यही समझते हैं कि तुमने मेरी और माहिर की शादी इसलिए करवाई कि तुम मामू को दिखाना चाहते हो कि माहिर की खुशी किसमें है। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। तुमने मेरी और माहिर की शादी सिर्फ इसलिए करवाई कि तुम सबको बताओ कि तुम कितनी मुखलस हो। हाँ, गुड जॉब, परफेक्ट। लेकिन फुल मार्क्स में कुछ नंबर रह गए, क्योंकि तुम ये भूल गई हो कि तुमने मुझे जिंदगी भर कितना सताया है, कितना दुख दिया है तुमने मुझे। और तुम्हारी इस घर में शादी कराकर मैं उन जख्मों का अजाला करूंगी, तुम्हें तंग पाऊंगी, पहले खुद रुलाऊंगी और फिर सबके सामने ही तुम्हारे आंसू पोंछूंगी मैं। सब देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूं, लेकिन तुम अपने दिल में ये जानोगी कि आंसू भी मैंने ही गिराया और पूछा भी मैंने ही। कोयल, मेरी बात याद रखो। मैंने माहिर से वादा जरूर किया है कि मैं तुमसे लड़ूंगी नहीं, इस घर का माहौल नहीं खराब करूंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और डेमो डेमो तो तुम देख चुकी हो ना। और वैसे भी खुद को जाके जरा आईने में देखो। मामू, माहिर, अफान, पाकीजा सब कितना भरोसा करते हैं तुम पर। और तुमने क्या किया है उनके साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब मुझसे बहुत खुश है। अरे सबके आंखों का तारा हूं,